नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। त्रिपुरा की पहचान अब हिंसा और पिछड़ापन नहीं है, जनसभा में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा के अम्बासा में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। बीजेपी की सरकार ने जर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्त कर दिया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब विकास का डबल इंजन रुकने वाला नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने में पीछे धकेल दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले 5 सालों में त्रिपुरा को डबल इंजन की सरकार के जरिए विकास की पटरी पर लाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी लगाने दिया जाता था? उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में पहले की सरकारों को कार्यकाल के दौरान अगर किसी ने दूसरी पार्टी का झंडा लगा दिया तो पूरे घर को आग के हवाले कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। उन्होंने कहा कि पहले ये एक ही शब्द सुनाई देता था, वो था चंदा। हर काम के लिए चंदा शब्द सुनाई देता था। साथ ही कहा कि पिछले सरकारों ने यहाँ लूटने का लाइसेंस दे रखा था, किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने चंदा लेने वालों से मुक्त करा दिया है। बहनों, दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है, त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। आज आप देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी, उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी, बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। आज भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। साथियों, पहले त्रिपुरा में हर जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए, चंदा। घर बना रहे हो, चंदा। दुकान खोल रहे हो, चंदा। इन लोगों ने 3-3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीवीएन 24।